क्लास में पहला जो प्रश्न है वो है, ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में सम पंचभुज, सम षटभुज तथा सम सप्तभुज बनाओ। एक ही आकृति में आपने बनानी है, तो ये रीति साधारण है, साधारण विधि से आपके पास ये प्रश्न है। इसमें तीनों आकृतियां इकट्ठी बनेगी और आगे आपकी विशेष विधियां आएगी, उसमें षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज आएंगे, तो पंचभुज भी है, षष्ठभुज भी है, सप्तभुज भी है। तो ये आपका जो पहला प्रश्न है, इसको बनाने के लिए हमें फुट्टा चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, एक प्रकार में लगी हुई पेंसिल, प्रकार पेंसिल चाहिए, ये तीन चीज़ें चाहिए, चौथा आपको चाहिए रबड़। वैसे इसका प्रयोग बहुत कम करना है, और आपने कौन को नापना है, देखना है कि कौन सही या गलत है, तो आपके पास प्रोटेक्टर डी भी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थोड़ा प्रश्न लंबा बनेगा, वीडियो लंबा बनेगा, तो आपने ध्यान रखना है, पूरा वीडियो देखना है, घबराना नहीं है। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। ये आपने दी हुई ए बी रेखा हमने ले ली है, इसका इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी। जब भी मैं कहूँगा कि ए पे प्रकार रखो तो यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। मैं कहूँगा बी पे प्रकार रखो तो यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। ये आपका इस तरह से बनेगा। अब आपने क्या करना है, समद्विभाजन करना है। सबसे पहले समद्विभाजन करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी रेखा जो भी, जितनी जो भी आपकी रेखा है, जो भी इसका नाम है, उससे आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के हम चाप लगाते हैं। हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के हम चाप लगाएंगे। ये देखिए, इधर भी हम चाप लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए पर प्रकार करके इस चाप को हम काट देंगे, यहाँ भी हम इस चाप को काट देंगे, और हम इसमें लाइन लगा देंगे। ये थोड़ी लंबी लाइन लगेगी, क्योंकि तीन बहुभुज हमने इसमें बनाने हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि चापों में दोनों में अच्छे से हमारा स्केल एडजस्ट है, अगर नहीं है तो इसको एडजस्ट करिए, और लंबी सी लाइन हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, ये हमने लाइन यहाँ पर लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे चाप लगाएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ पर कार्य करके पहली चाप लगाएंगे। ये चाप हमारी होती है 60 डिग्री की, दूसरी जो चाप हमारी होती है वो होती है 120 डिग्री की। 120 का और 60 का यदि हम आधा करते हैं तो हमारा 90 बनता है। ये देखिए, हमने ये 90 डिग्री का कोण बना दिया है यहाँ पे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे इसको मिला देंगे बी के साथ। ये देखिए, ये मैं इसको डॉटेड इसको मैं मिला रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये रेखा है इसका नाम हम दे देते हैं जे। तो हम क्या करेंगे, बी पर प्रकार रखेंगे, ए जितनी प्रकार खोलेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, पर आपने ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। तो हम यहाँ से चाप लगाएंगे, बी पर प्रकार खोल के आपने ए जितनी प्रकार खोल के चाप लगानी है, जहाँ पे ये 90 डिग्री की रेखा को काट रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देंगे के, के नाम हम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, के और ए को आपस में मिला देंगे। इसको भी हम डॉटेड ही मिलाएंगे, बिल्कुल भी हम डैश नहीं लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये हमारा 4 है, ये जो पॉइंट है ये हमारा 6 है। तो हम आपने क्या करना है, जो ये रेखा है, इस रेखा का भी हमने समद्विभाजन करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। प्रकार आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसका मुँह कम से कम खुले, आपस में पेंसिल और प्रकार का जो नोक है वो आपस में मिलनी चाहिए, तो ही आप इसका सही तरीके से समद्विभाजन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 4 से और 6 के बीच का जो है वो समद्विभाजन करेंगे। तो हम आधे से ज़्यादा प्रकार खोल करके पहले 4 पॉइंट पे हम प्रकार रखेंगे और चाप लगा देंगे ऐसे, और इधर को भी लगा देंगे। प्रकार को आपने ज़्यादा कम बिल्कुल नहीं करना है। फिर हम 6 पॉइंट पर प्रकार रखेंगे ऐसे, और इस चाप को काट देंगे, ये कट गई है, और
यहाँ भी हम इसको काट देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे कट गई है। अब आप क्या करेंगे, इन चापों को भी आपस में मिला देंगे और बिल्कुल डॉटेड मिलाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ये चाप बिल्कुल डॉटेड बनने मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप पहले फुट्टा एडजस्ट करिए अच्छे से, तभी आपने लाइन लगानी है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ये देखिए ये जो पॉइंट आपका है ये आ गया 5। अब आपने आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं अपने प्रकार से। ये देखिए ये 4 से 5 और 5 से 6, ये देखिए बिल्कुल सही है। 4 से 5 है, 5 से 6, 6 से आप 7, 7 से 8। हमारे से इतना ही पूछा गया है, तो आप इसको और बड़ा भी बना सकते हैं। 8 से 9 बना सकते हैं, 9 से 10 बना सकते हैं, 10 से 11 बना सकते हैं। आप जितनी बड़ी आकृति चाहो बना सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11 जितनी भी बड़ी आप चाहो बना सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें पंचभुज बनाएंगे, तो हम 5 पॉइंट पे ऐसे प्रकार रखेंगे और ए जितनी प्रकार खोलेंगे। ये देखिए ये प्रकार आप या तो ए जितनी खोलिए या फिर आप बी जितनी खोलिए। देखिए बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ज़्यादा कम नहीं है। तो आपने यहाँ पे ऐसे एक वृत्त बना देना है। इसको हम वृत्त नहीं कहेंगे, इसको हम दीर्घ चाप कहेंगे। ये कंप्लीट वृत्त नहीं होता है, कंप्लीट वृत्त तब बनेगा जब हम इसको यहाँ से ऐसे पूरा मिला देंगे, तो ये कंप्लीट वृत्त होता है। इसको हम वृत्त नहीं कहते, इसको हम दीर्घ चाप कहते हैं। अब आपने क्या करना है, ए बी जितनी प्रकार खोलनी है, ये देखिए, और बी से चाप काट दो। जहाँ भी दोनों चाप आपस में मिल रही है यहाँ से, ये देखिए बराबर, ज़्यादा कम नहीं है। इसका नाप आप दे दो बी, इसका नाम सी, इधर आपका डी है, इधर आपका ई है। आप ऐसे नाम दे सकते हैं और इनको मिला दो आपस में, बी से सी मिला दिया, सी से डी मिला दिया, डी से ई। पहले आपने फुट्टा अच्छे से एडजस्ट करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। डी से ई और ई से ए या ए से ई, ये आपका पंचभुज बन गया है। इसी तरह से आप षटभुज बनाने के लिए 6 पॉइंट पर प्रकार ऐसे, और ए भी जितनी प्रकार खोलेंगे आप अगला इस तरह से एक इससे बाहर से बड़ा जो है वो वृत्त बना देंगे। ये देखिए अगर आपका पेंसिल सही आपने शार्प कर रखी है, आपने प्रकार सही पकड़ा है, तो बिल्कुल भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, ए भी जितनी प्रकार खोलनी है और चाप आके लगा देनी है। देखिए ये चाप इसी के साथ आगे लग जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ प्रकार रख दी, अगली चाप लगा दी आपने, यहाँ प्रकार रखी है, ये चाप आपने लगा दी है, आप यहाँ प्रकार रखिए और आगे चाप लगा दीजिए। आप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सही है, एग्जिट पॉइंट पे आ रहा है जहाँ पे आपने एग्जैक्ट पॉइंट रखा हुआ है। इसका नाप आप नाम आप दे सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं एल, इसका नाम हम दे देते हैं आपका इधर हम नाम दे देते हैं आर, इधर हम नाम दे देते हैं इसका ओ, इधर नाम दे देते हैं हम इसका एफ, एफ हमने नाम दे दिया है। मैंने किताब से देख के नाम दिए हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने वही नाम देने, लकीर के फकीर आप नहीं बने। ये आपने इस रेखा को मिला दिया, ये पॉइंट को आपने एल आर को भी आपने मिला दिया, आपने आर ओ को मिलाना है तो आप आर ओ को मिला देंगे, आपने ओ एफ को मिलाना है आप ओ एफ को भी मिला देंगे, ठीक है। आपने ए एफ को भी आपस में मिला दिया। अब आपके पास अगली आकृति है सप्तभुज। आप सप्तभुज पे प्रकार रखिए, 7 पे प्रकार रखिए, ये आपका 7 है, 7 पे प्रकार रखिए और ए जितनी या फिर ये देखिए आपने ए जितनी प्रकार खोल दिए या बी जितनी, जिधर को भी आप खोलना चाहे खोल सकते हैं, और एक इससे बड़ा और वृत्त आप बाहर को बना दीजिए। ये देखिए
वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कार्य कर रहा हूँ, तो आपने आराम से करना है। सात पेपर कार्य करके जहाँ आपको लगता है कि लाइन मेरी सही नहीं लगी लगा दीजिए, और आपने ए से बी प्रकार खोल, ये देखिए ये भी जितनी प्रकार खोल के आपने चापे लगानी है, देखिए बिल्कुल आपका सही बनेगा। चापे लगाते जाइए, देखिए, और अगर आपने वेरीफाई करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं M, इधर नाम दे देंगे इसका N, इधर नाम दे देंगे इसका हम Q, इधर नाम दे देंगे हम इसका H, इधर नाम दे देते हैं S, तो इसको आपस में मिला देंगे। इस तरह से ये आपका तीनों बहुभुज एक ही आकृति में बनके तैयार हो गए। ये साधारण विधि से आपने तीनों आकृतियां एक ही आकृति में तीनों बहुभुज बना लिए। गृह कार्य में आपने यह बहुभुज अपनी ड्राइंग शीट पर अच्छे से बना लिया।